सो एक वीडियो लेके आ चुका हूँ वापस यार वीडियो। तो आज के वाली वीडियो में भाई हम टीम करने वाले हैं भाई ट्राइसेराटॉप्स। एंड मैंने आप लोगों को पैटरन वाली टीमिंग वाली वीडियो में नहीं बताया था मतलब इसका स्कैम, तो आप लोग देख रहे हो ना कि ये इसको भाई जो बैरी है ना चुबाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब इतना भी नहीं। बट यार गाइस ट्राइसेराटॉप्स का सीधा एक मतलब सीधा ये है ना कि भाई इसका कॉन्सेप्ट का भाई सीधा वो उखाड़ देता है। अरे कहना क्या चाहते हो, मतलब उसके सींगों से एंड इसकी लंबी सी गर्दन है, लंबी सी पूंछ, और ये भाई घूमता रहता है पर्स। देखो गाइस कितने नखरे कर रहा है यार। तो यार जी मतलब थोड़ा चुगने भाई थोड़ा बहुत नखरा करता है भाई हमारा पैरासोर। बट ओके भाई मैं सी कलेक्ट कर रहा था फिलहाल तो। एंड मेरे को अभी गाइस ज़्यादा से ज़्यादा भाई नार्कोटिक मतलब सॉरी क्या बोलते हैं उसके यार अपन, हाँ भाई मतलब नार्को बेरी चाहिए जैसे कि हम लोग ड्रग्स बनाएंगे, ड्रग्स डीलर बनना है। एंड आप लोग देख रहे हो भाई इधर प्लांट है की स्पीसीज, तो ये वाला प्लांट का काम भाई बस पीवीपी में ज़्यादा यूज़ होता है इसका। वैसे इसका मैंने इसको इसलिए लगाया क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना था कि इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है गाइस। तो इसकी रेंज मैंने हाई करके रखी है, अगर कोई डायनोज आएगा ना तो उस भाई ये उस पर ढाबा बोल देगा और उसकी तो भाई पूरा पोर निकल जाएगी, तो जो बोलो आप। तो यार देखो इधर गाइस इस वाली लोकेशन पे आप लोगों को मिल जाएगा तो स्वाम्प है, तो स्वाम्प यानी कीचड़ वाली बायोम। तो भाई मैंने पीसी वाले पे जाकर देखा गूगल पे सर्च किया तो इसको स्वाम्प बोलते हैं, एंड रेडवुड बायोम जैसे होती है ना वैसे ही, तो इसका भी अलग नाम है। तो इधर आप लोग देख सकते हो ट्राइसेराटॉप्स है, तो इसकी आत्मा को शांति तो मिल चुकी होगी, बट कैसे मिलेगी जब तक मैंने भाई इसको हार्वेस्ट कर लिया तो इसकी आत्मा को अब शांति जरूर से मिल गई होगी। एंड हमारा प्यारा सा घर एंड इधर डोडोस। तो गाइस यार डोडोस का एक बहुत तगड़ा यूज़ है कि आप लोग को डोडो ना टेम करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यार अगर आप लोग को वोट यानी कि वोट यार कुछ आगे जाके यूज़ होगा तो वो यूज़ मैं आप लोग को आगे जाके बता दूंगा, मैं आप लोग को अभी से बता रहा हूँ। सो इधर आप लोग देख रहे हो ट्राइसेराटॉप्स। तो यार चलो यार गाइस इसी में मुझे टीम करना है क्योंकि ये अच्छी खासी लेवल का है। एंड लिटरली गाइस यार मुझे इसमें ना बहुत टाइम लगा इसको देखने में, एंड अब जाके मुझे मिला है। तो यार जल्दी जल्दी भाई इसको ट्रैंक करो से हम नशा दिलवाते हैं एंड करते हैं भाई दिलवर लगा मेरा मजाक। एंड गाइस हर सब काम में इन भाई साहब जी की इन भाई सब की कमी लग रही थी मेरे को, एंड वो है भी। सो इधर मैग्नीफाई ग्लास से मैं ऐसे देख रहा था। एंड चलो गाइस यार ये दिक्कत हो सकती है बट अभी हम लोग ध्यान देते हैं, अगर जाएगा तो उसको भी बता दूंगा भाई दाल आटे का भाव। चुप। नहीं दाल आटे का भाव नहीं गाइस, मैं उसको बताऊंगा सोने और चांदी का भाव। पहली बात तो उसको गाइस उसको ना काम नहीं है भाई, वो घूमता रहता है एंड जो उसको कमजोर देखता है ना वो उस पर अटैक करता है लाइक। चलो ठीक है जल्दी जल्दी इसको अनकॉन्शियस काटते हैं गाइस। हाँ यार गाइस यार एक और बात मैं आप लोग को बताना भूल गया हूँ। तो यार आर के गेमर की तरफ से भाई एक मुझे कमेंट दो बार आ चुके हैं गाइस कि तुम कब माइनक्राफ्ट में भाई MCPE मतलब वो की सीरीज स्टार्ट करोगे। सो यार गाइस मैं उसको भी स्टार्ट जल्दी करने वाला हूँ, एंड अभी थोड़ा बहुत आर के में ध्यान दे रहा हूँ गाइस, मेरे पास टाइम कम है। एंड आप लोग थोड़ा बुरा मान जाओ कि भाई मैं थोड़ा लेट लाऊंगा, अभी फिलहाल नहीं ला सकता। एंड गाइस मेरे थोड़ा अभी फिलहाल भाई मेरा मन नहीं लग रहा है इस मतलब वीडियो भी एडिट वगैरह करने में, ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब क्विट करूँगा। एंड मैं थोड़ा आलसी हो गया हूँ, मैं वैसे तो आलसी हूँ बट इतना भी आलसी नहीं हूँ कि यूट्यूब की इज्जत रिस्पेक्ट ना ही करूँ। तो यार क्या ही बात कर रहा हूँ मैं अभी। ओके तो यार हमारे इस ट्राइसेराटॉप्स वाले हाथी जी को मतलब गाइस इसको भाई मैंने मेरे दोस्त खेलते थे भाई तो वो देसी बातों में इसको हाथी बोलते थे भाई। हाथी किस मतलब किस एंगल से लगता है मेरे को बताओ यार, मतलब मैड एंगल का क्या है बोलो, नशा का क्या है भाई। तो यार जल्दी जल्दी इसको कर देते हैं भाई अनकॉन्सियस। सो होपफुली गाइस यार तो इसकी लग चुकी है एंड लिटरली इसकी सही में लगने वाली है, मतलब ये गिरने वाला है जमीन पर मुंह के भर धोखे। सो चलो ठीक है यार जी अनकॉन्सियस हो चुका है, तो आगे आप लोग होशियार, हम लोग क्या करना है आप लोगों को खुद ही पता होगा। तो हम अब इसमें बैरिज डाली हैं बट ना ही हम नूबड़े नहीं रहे भाई, अब हम थोड़े प्रो हो चुके हैं। एंड बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही होगी उसको थोड़ा बहुत इग्नोर करना गाइस। सो चलो यार जल्दी से जल्दी इसको हम टीम करते हैं फटाक से ही। एंड लिटरली यार गाइस मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा एंड लिटरली। तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा यार कि वाइल्ड एनिमल्स पे भाई स्पाइक वॉल का बिल्कुल अटैक होता है, एंड अभी तक मैंने इसको ब्रेजीज भी नहीं चुका है एंड इसकी हेल्थ कम हो रही है। एंड आप लोग देखने वाले हो बहुत अच्छा जादू, तो मैं इसमें डालता हूँ बहुत ही तगड़े तरीके से बायोटॉक्सिड एंड नार्कोटिक्स। तो यार जी मैंने घुसाई इसमें मतलब ढाला इसके इन्वेंट्री में और इसको मैं चुगवाया एंड इसकी हेल्थ ओ भाई साहब ओ
भाई हो गया स्कैम। एंड गाइस इधर पर भाई मेरी फ़ोन में हो चुका था एक बग एंड ग्लिच। एंड अब मैं खोलता हूँ अपना जल्दी जल्दी एआर के एंड आप लोगों को बताता हूँ कि ट्राइसेप्टोप्स क्या होगा। तो आपको क्या लगता है गाइस कि ट्राइसेप्टोप्स मर जाएगा या फिर जिंदा मिलेगा? तो भाई ट्राइसेप्टोप्स डला है। एंड गाइस चलो गाइस यार मतलब मुझे खुशी हो रही है, इतनी खुशी मुझे आज तक कभी नहीं हुई। सो गाइस मैं इसे खिलाने वाला हूँ भाई 10x बाम यानी कि सूदिंग बाम भाई 10 एक्स्ट्रा वाली। एंड आप लोग चाहे तो भाई 10 एम्बर पॉइंट्स की खरीद कर डाल सकते हो। सो बहुत आलस आता है गाइस कुछ कुछ लोगों को तो भाई एम्बर पॉइंट्स लेने में, जैसे कि मैं नहीं गाइस, मैं तो लेता हूँ, मेरे पास 291 मतलब 219 है। एंड भाई पहली बात तो यार कि भाई प्राइमर पास किसके पास है जिसको मंथली में भाई कम से कम 30 से 50 एम्बर पॉइंट्स मिलते हैं? नहीं गाइस मैं नहीं हूँ, मैं तो गरीब हूँ। तो चलो यार इधर मैं जल्दी से जल्दी इसको बैरी खिला देता हूँ। एंड इसकी फास्ट टेमिंग हो रही है एंड जल्दी यही भाई मैं हमारे काबू में आ जाएगा या हमारे बश में आ जाएगा। एंड चलो यार गाइस तो चलते हैं भाई इसको हम चलाने। सो गाइस यार हम इसे करने वाले हैं भाई टेलीपोर्ट उधर से भाई, क्योंकि इसको चलाने में तो भाई हमारा मतलब मेरी ए लग जाती कितने भाई, मैं मतलब मेरा मैं कहीं का कहीं चला जाता। तो यार जल्दी जल्दी भाई हम इसको करते हैं। तो इधर आप लोगों को नहीं पता हो तो इधर पे हम आते हैं एंड मतलब टेलीपोर्ट करना तो इधर पे हम आते हैं एंड ट्राइक लिखते हैं इधर पे एंड TRI मतलब पूरी स्पेलिंग तो मैं नहीं लिखूंगा। और ठीक है मैं इसको टेलीपोर्ट जल्दी से करता हूँ एक्सेप्ट पे एंड हेयर वी गो गाइस। एंड अभी हमें बनानी भाई इसकी सैडल जो मैंने अभी तक नहीं बनाई थी। सो चलो यार ठीक है मैंने इसमें पूरा सामान डाल दिया क्योंकि कचरा मैं नहीं लेना चाहता वेट अपने आप पे एंड मेरा वेट पहले से इतना ज़्यादा हुआ है मतलब बुरा कहा है। तो चलो यार ठीक है जल्दी जल्दी टेलीपोर्ट होने वाला है भाई हमारा ट्राइक बाबा, तो जल्दी जल्दी आएगा। ओके सो वेल डन गाइस आ चुका है हमारा ट्राइक सरडोप्स। तो यार इसका भी नामकरण करना पड़ेगा जल्दी जल्दी मेरे को। तो यार चलो भाई इस पर राइड करते हैं एंड देखते हैं कि गाइस क्या ही इसकी पावर है। ओके गाइस तो मर्द का बच्चा जा चुका है एंड अब जीत चुका है बहुत सारी बैरीज। तो यार आप लोग देख सकते हो कंपेरिजन ऑफ पैरासोर वर्सेज ये, तो यार पैरासोर का ही क्या ही लगता है मतलब वो डरपोक छोटा सा बच्चा यार बच्ची का उसे तो यार वो भग जाता है। एंड तर भाई इसकी क्या लगी पड़ी है भाई तेरी जिंदगी में क्यों रखी है भाई, तेरे को भी शांत कर चुके हैं भाई, बोल रखा है शांति हो रखा है बस उसके भाई मतलब उसके शरीर में हार्वेस्टिंग किया उसकी बॉडी। तो यार तो गाइस यार चलता हूँ भाई इस वाली वीडियो में यार। तो भाई इस वाली वीडियो में मुझे 12 लाख चाहिए। सो गाइस